नमस्कार, मैं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा देश भारत कृषि प्रधान देश है और इस संकट काल में आज जिस तरह से देखा जा रहा है, आज किसानों भाई का अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमरा रहा है। इसे देखते हुए किसान भाई अब सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी करने के लिए पेशकश में धीरे धीरे अपने गति को तेज कर रहे हैं। जिस तरह से गरीब मजदूर किसान भाई खेती में अधिक से अधिक ध्यान लगा रहे हैं, वहीं फसलों की अत्यधिक व्यवस्था भी धीरे धीरे खेती बाड़ी पर ध्यान आकर्षित करते हुए आज तरह तरह की सब्जियां बोए जा रहे हैं। बॉडी की फसल और निराई करते हुए बाजरे की फसल जुताई देखी जा सकती है। आज किसानों की या आप अर्थव्यवस्था जिस तरह से है, आप जो है इस समय तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। और यह फुटेज देव सोनी सोनीपत हरियाणा से वीडियो आज सुबह टाइम से शेयर किए हैं, लगातार आप देख सकते हैं। यह रिपोर्टिंग आपको सोनीपत से दिखा रहे हैं हरियाणा में, और जहां पर आप देख सकते हैं कि सोनीपत पानीपत लगातार जो है खेती के माने में हरियाणा सबसे अव्वल रहा है और वहां पर साग सब्जी अत्यधिक उगाने की जो है व्यवस्था तेज़ी से देखी जा सकती है। और हरियाणा से अत्यधिक मात्रा में जो है दिल्ली आने वाली सब्जियाँ अत्यधिक मात्रा में हरियाणा से सीधे चलकर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सब्जियां अत्यधिक मात्रा में यहां से आती हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहां दिल्ली के जो लोकल है बेचने वाले दुकानदार सब्जियां वगैरह आप देख सकते हैं हरियाणा के जो सब्जियां बेचते हैं। और आप जान सकते हैं कि हरियाणा सब्जी के माने में और फसलों के माने में बहुत तेज़ी से कार्य करती है। और जो है गेहूं चावल आप ये भी समझ सकते हैं अपने जो है गंभीरता के साथ खेती करती है, विश्वसनीयता के साथ खेती करते हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से किसान भाई ध्यान लगाकर अपनी जो है निराई गुड़ाई कर रहे हैं, इसे देखने की ज़रूरत है, सभी लोग जो है इसे समझें। और ये भी बता दूँ अत्यधिक मात्रा में जो किसान भाई यहाँ के हैं वो जो है वैज्ञानिक से जो है जानकारी लेकर ही कोई भी साग सब्जी उगाते हैं, तो वैज्ञानिक से जानकारी हासिल कर ही तभी वो करते हैं। यहाँ की जो बीज जो फसलें हैं वो भी जो है अथॉरिटी किसान से जिस तरह से बीज वगैरह लेते हैं वह दुकान पर बीज भंडारण से ही हमेशा लेते हैं और अच्छी फसलें उगाते हैं। हरियाणा के किसान भाई अत्यधिक मात्रा में लोग जो है अच्छे फसल उगाने के लिए बीज भंडार जहां पर दुकान होती है वहीं से ही जो है बीज की खरीदारी करते हैं और वैज्ञानिक से विशेष तौर से सलाह लेकर ही किसान भाई अपने खेतों में जो है फसलें उगाते हैं। इसे देखा जा सकता है कि अत्यधिक मात्रा में जो है बाज़ारों में गाँव में अत्यधिक मात्रा में दुकानें बीज के भंडार खुले हुए हैं और वह जो है जाकर वहाँ पर जो है अच्छे फसलें लेने की कोशिश करते हैं और जो है उसे अच्छे दामों के साथ जो है किसान अपने खेत में उगाकर उसे जो है फसल के तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में लगे रहते हैं। इसे देखा जा सकता है कि जिस तरह से लोग हरियाणा के लोग अत्यधिक मात्रा में किसानों कि जिस तरह रफ्तार देखी जा सकती है वह मेहनत करते हैं खेती में। आपने यह फिल्म देखा होगा या सुना होगा गाने मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, ये बहुत पुराने फिल्में है कि गाने हैं। और आपको बता दूं वाकई में जिस तरह से किसान भाई लगातार धरती माता जगत जननी से जो है सोना उगाते हैं, वह सोना महत्वपूर्ण होता है जो मानव के जीवन की रक्षक बनता है, सुरक्षा बनता है, उसे देखते हुए सभी लोग जीवन यापन अपनी करते हैं। तो किसान भाई अत्यधिक मात्रा में लोग जो है कृषक के तौर पर देखी जा सकती है और लोग खेती बाड़ी करते हैं। सरकार को विशेष तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, कृषि भाइयों को जो फसलें उगाते हैं उनका जो है विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से मेहनत करते हैं और फसलें उगाते हैं, इसे देखा जा सकता है कि सरकार भाई विशेष पैकेज के तौर पर किसान भाइयों की सहायता करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आज किसान भाई काफ़ी जो है
पीछे देखा जा सकता है और फसलें जो है बहुत पीछे हुई हैं, इसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमारे चैनल आप देखते रहिए, हम आपको तरह तरह के नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।